एक और सवाल कि ये जो एक व्यक्ति को जो टिकट दिया गया जो वाड्रा साहब के बचाव में जो है कूदे थे, इसकी पूरी कहानी बताइए। मैं क्योंकि मैं ये तो बाकी तो न्यूज़ में मालूम है कि भाई उन्होंने ये किया, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार है, ये व्यक्ति उम्मीदवार बना कैसे? मैं बताता हूँ, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बाकी तो पता होगा भाई, इस वाड्रा के नाम पर अरविंद ने कितनी गालियाँ दी, खूब अपना मीडिया में नाम कमाया, लोगों को लगा यार बड़ा ईमानदार आदमी है, देखो ये तो वाड्रा को भी इतने वो कर दिया, ये कर दिया। खेमका का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद ये युद्धवीर आया वहां पे, अच्छा इसकी पोस्टिंग हो गई। युद्धवीर ने आते ही आते सीधे रिपोर्ट लगा दिया कि वाड्रा की लैंडेल बिल्कुल ठीक है, उसको रिस्टोर कर दिया जो कैंसिल किया था, और खेमका का अगेंस्ट एक उसने चार्जशीट बना दिया। उसके बाद योगेंद्र यादव का बहुत पुराना रिश्ता है गांधी परिवार से भाई, वो एनएसी में थे, और एनएसी नहीं है सिब्बल की यूजीसी में थे, सोनिया गांधी के एनएसी में थे, और कम से कम 40 और कमेटीज में रहे हो पिछले 10 सालों में। और एक और मैं बता दूं, वो बकायदा पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने वालों में से है राहुल गांधी को exactly. वो राजनीति शास्त्र उनको पढ़ाते थे, उनको शास्त्र पढ़ाते जेएनयू से राजनीति शास्त्र के छात्र रहे हैं जी, जी। और वो जो है राजनीति का जो है वो उनके गुरु भाई है, गुरु भाई है। हाँ तो अब तो योगेंद्र यादव युद्धवीर जो अधिकारी था वही योगेंद्र यादव ने बात किया भाई तू इसको क्लीन चिट दे दे, अभी उसकी एक साल की नौकरी बची हुई है, तू रिजाइन दे, आज हम तुझे देते हैं भाई। कांग्रेस उसको टिकट नहीं दे सकती, कांग्रेस अगर टिकट दे देगी तो वो सीधे सीधे केस बन जाएगा, तो इसलिए कांग्रेस ने इनके इनसे दिलवा दिया।